आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में बहुत ही ज्यादा धमाका कर रहा है। आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले SquareX के बारे में एक वीडियो बनाया था, मैंने उनके ब्राउजर सिक्योरिटी इनोवेशन के बारे में आप लोगों को बताया था, मैंने बताया था आप लोगों को कि कैसे उनका ब्राउजर एक्सटेंशन जो है वो आपको हेल्प करता है कि आपके पीसी में कोई भी इन्फेक्टेड फाइल्स या फिर कोई वायरस वगैरह ना आए, और वो लोग आप लोगों को डिस्पोजेबल ब्राउजर प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ब्राउजर एक्सटेंशन से, डिस्पोजेबल ईमेल्स और बहुत सारी चीज़ें जो है उनके ब्राउजर एक्सटेंशन के थ्रू आपको मिल जाती है। वही SquareX की जो टीम है, वही SquareX की जो कंपनी है, एक बार फिर से न्यूज़ में है और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो सबको हिला के रख दे रहा है। क्या डिस्कवर किया है वो लोगों ने? तो यार वो लोगों ने बताया है कि कैसे जो सिक्योर वेब गेटवेज होते हैं SWGs जो होते हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज होता है सिक्योरिटी के लिए, वो इतने भी सेफ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। अब जो लोगों को SWGs के बारे में नहीं पता, सिक्योर वेब गेटवेज के बारे में नहीं पता, मैं वो लोगों को बता दूं, ये एक टाइप का फिल्टर होता है जो कि एंटरप्राइजेस अपने एम्प्लॉइज को किसी भी मलिशियस वेबसाइट या फिर कॉन्टेंट से बचाने के लिए, मलिशियस फाइल्स से बचाने के लिए यूज करते हैं अपने नेटवर्क पे। अब इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमारे स्कूल के कंप्यूटर्स में, हमारे स्कूल के नेटवर्क में एक फिल्टर लगा होता है जो किसी भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को ब्लॉक करता है ताकि हमारे स्कूल के कंप्यूटर वगैरह में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट किसी भी स्टूडेंट को ना दिखाई दे। तो वो फिल्टर में और ये फिल्टर में बस यही फर्क है कि ये जो SWGs होते हैं, सिक्योर वेब गेटवेज, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, SquareX की जो रिसेंट रिसर्च है जो वो लोगों ने डेफकॉन में प्रेजेंट की थी, वहां पे वो लोगों ने दिखाया कि कैसे SWGs सिक्योर वेब गेटवेज कुछ स्पेसिफिक अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं और पास होने दे रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने एक मेथड डिस्कवर किया है, लास्ट माइल रीअसेंबली अटैक्स। अब ये जो अटैक्स है ये SWGs मिस कर देते हैं और बड़े आसानी से ये लास्ट माइल रीअसेंबली अटैक्स का यूज करके कोई भी इन्फेक्टेड फाइल जो है वो आपके एम्प्लॉइज तक आराम से, उनके कंप्यूटर तक आराम से पहुंच सकती है और इन्फेक्ट कर सकती है उनके पीसी को। अब देखो आप लोगों को सुनने में काफी ज्यादा टेक्निकल लग रहा होगा कि भाई ये लास्ट माइल रीअसेंबली अटैक्स क्या है, कैसे इनको SWGs ब्लॉक नहीं कर पाते। मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताता हूँ। देखो जो लास्ट माइल रीअसेंबली अटैक्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि किसी भी मेलिशियस कोड के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो है ये भेजता है और वो इसको छुपा कर भेजता है, जिससे कि SWGs को पता ही नहीं चलता कोई मेलिशियस कोड आ रहा है, कोई मेलिशियस फाइल आ रही है मेरे नेटवर्क के अंदर, और वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता। और जब यही छोटे छोटे मेलिशियस कोड के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो किसी ब्राउजर में जाके इकट्ठा हो जाते हैं, जब वो एक साथ मिलते हैं तो ये अटैक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी रहती है और SWGs कुछ नहीं कर पाता। अब ये जो सिचुएशन है काफी ज्यादा अलार्मिंग है। कंपनीज मिलियंस इन्वेस्ट करती है SWGs पे उनके नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए और उनपे ट्रस्ट करती है, लेकिन जैसे SquareX ने दिखाया है कि ये गेटवेज जो है वो बिल्कुल भी फुल प्रूफ नहीं है। अब ये जो SquareX ने जो भी डेफकॉन में जो दिखाया है, जो बताया है, इसकी जो वीडियो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे रिलेटेड जो भी ब्लॉग पोस्ट है या फिर जो सारी चीजें हैं वो सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो लिंक्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग खुद जाके भी उसको एक बार देख सकते हो कि ये लोगों ने बताया क्या है और ये लोगों ने दिखाया क्या है। अब ये सिर्फ एक थियोरेटिकल वल्नरेबिलिटी नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो काफी ज्यादा कंपनीज को, काफी ज्यादा एंटरप्राइजेस को अफेक्ट कर सकती है जो लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए SWGs पे डिपेंडेंट है। अब देखो SquareX ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने पर ही नहीं रुका, वो लोगों ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी सजेस्ट किया। वो लोगों का कहना ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी होती है उसको हमको ब्राउजर लेवल तक लाना चाहिए, क्योंकि SWGs के पास में सिक्योर वेब गेटवेज जो कि नेटवर्क लेयर पर बैठे होते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको पहले बताया, उनके पास में किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी फाइल्स के बारे में उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है जितनी ब्राउजर लेवल पे एक ब्राउजर के पास में होती है। क्योंकि ब्राउजर से हम जब कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं, तो ब्राउजर के पास में ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो रहती है उस फाइल के बारे में और उस वेबसाइट के बारे में। तो मतलब SquareX का जो सोल्यूशन है वो डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर रन करता है और ब्राउजर के अंदर से ही आपको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अब इससे आपको और मुझे क्या समझ में आता है? तो देखो हमको इससे ये समझ में आता है कि जो हमारा अप्रोच है सिक्योरिटी को लेकर उसको हमको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को अगर हम लोग अपने एंटरप्राइजेस में यूज कर रहे हैं, SWGs वगैरह को यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमको उस अप्रोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा और अपनी सिक्योरिटी के बारे में हमको थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसको ब्राउजर लेवल पर लाना पड़ेगा, सो दैट ये लास्ट माइल रीअसेंबली अटैक्स टाइप के अटैक्स जो है वो आपके कंपनी में ना हो। और अगर आपको चेक करना है कि आपके एंटरप्राइज का जो सिक्योर वेब गेटवेज है वो ऐसे प्रकार के अटैक्स को रोक सकता है नहीं रोक सकता है, तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट की लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस वेबसाइट पर जाके आप लोग खुद चेक कर सकते हो अपने सिक्योर वेब गेटवेज को कि वो इन अटैक्स को, इन्फेक्टेड फाइल्स को डाउनलोड होने से रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। और ये जो लिंक मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये वही वेबसाइट की लिंक है
है, जो वेबसाइट को यूज करके SquareX की टीम ने डेमोन्स्ट्रेट किया था डेफकॉन में कि SWGs जो होते हैं वो इन टाइप के अटैक्स को नहीं रोक पाते, तो आप लोग खुद चेक कर सकते हो अपने SWG को। और अगर आपको आपके एंटरप्राइज के लिए इसका सोल्यूशन चाहिए, आप चाहते हो कि आपके कंपनी में ऐसे कोई अटैक जो है वो ना हो पाए, आप अपने कंपनी को सिक्योर करना चाहते हो, तो उसका सोल्यूशन भी SquareX की तरफ से आपको मिल जाएगा। आपको बस सिंपली इस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पे जाने के बाद में आप साइन अप कर सकते हो और उसके बाद में SquareX आपको आपके कंपनी के हिसाब से परफेक्ट सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। और ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेटिव लिंक्स की जरूरत है वो सब लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पे जाके उसको आराम से चेक कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी आप लोग जरूर सोच सकते हो।